welcome to learn for exam my name is gurpreet singh in this video we'll talk about five common mistakes which every other aspirants do while giving the cat exam and you can download an app which is available in the ios and the android play so just search learn for exam you'll find a lot of free content a lot of free test series on the website and app and if you are preparing for a cat exam you can check out our courses link is in the description so let's start सबसे पहले शार्पेस माइंड जो होते हैं ना जो हमेशा सोचते हैं कि जिन्होंने टेंथ और ट्वेल्थ में या ग्रेजुएशन में फाड़ा है वो कैट नहीं निकाल सकते हर कोई कैट नहीं निकाल सकता कैट सिर्फ वही निकाल सकता है जिसको ये पता हो कि उसको कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और तीसरी चीज़ होती है कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आप कैट क्रैक कर लोगे दैट इज फॉर श्योर और पांच कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं वो डिस्कस करते हैं पहली मिस्टेक होती है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होना लैक ऑफ रेगुलर रिविजन और मॉक्स को नहीं देना ठीक है हमेशा ध्यान रखिए जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे अपने मॉक को मॉक एग्ज़ाम को तब तक आप कभी भी अपनी गलतियों को जानोगे नहीं और गलतियां जब जानोगे नहीं तो उसको प्रैक्टिस कैसे करोगे आपको कैट एक एग्जाम एक से पहले एटलीस्ट थर्टी मार्क्स देने चाहिए और ये सारे मार्क्स एक ही जगह से नहीं होने चाहिए दो या तीन जगह से होनी चाहिए और राइट ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो सके और अलग अलग जगह पर आप देख सको कि आप कहाँ स्टैंड करते हो मॉक्स बहुत ही अच्छे होते हैं अगर आप रेगुलर देते रहें

ठीक है ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दो और ये सभी के साथ होता है मेरे साथ भी होता था हर एक दुनिया में हर एक इंसान के साथ होता है कि वो पिछले वाला सोचने लग जाता है कि अरे यार वो मुझे शायद भूल गया हूँ वो मुझे आता नहीं है पिछले क्वेश्चन मैंने सही भी किया कि नहीं किया प्लीज़ फोकस करो जब भी ऐसा दिमाग में थॉट आए जस्ट थिंक अबाउट कि अभी जो मैं कर रहा हूँ पहले वो करूँगा सिंपल एस दैट पहले उसको कवर पूरा कवर करो फिर सोचना कि पिछले क्वेश्चन पे जाना है या नहीं जाना या फिर पिछले चैप्टर को रिवाइज करना है या नहीं करना या उसका टाइम बनाओ कि कब आपको रिवाइज़ करना है ये मिस्टेक सभी करते हैं प्लीज़ इसको रेक्टिफाई करें मिस्टेक नंबर थ्री टेकिंग क्वेश्चन पर्सनली हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप मॉक दे रहे हैं या फिर कोई भी तैयारी कर रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो क्वेश्चन नहीं भी निकल रहा भाई छोड़ दो उस समय के लिए छोड़ दो शायद दो या तीन दिन बाद ट्राई कर लेना शायद निकल जाए मैं हमेशा यही एल में मेरी यही टेक्निक रही है मैं कभी कोई सेट करता था मुझसे नहीं निकल रहा है तो वट आई डू इज भाई उस समय नहीं निकल रहा कोई बात नहीं मैं पीछे का सोल्यूशन नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं लॉजिकली हो सकते हैं क्योंकि वो दिमाग तो सभी के पास सेम ही है लॉजिक सी तो है तो मैं करूंगा बट मैं उस समय नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं उस समय शायद दिमाग में नहीं आ रहा वो लॉजिक मैं उसको तीन या चार दिन बाद करता था या कभी कभी दस दिन बाद बहुत ही रेयर चांस होता था कि वो क्वेश्चन दस दिन बाद भी ना हो जाता था लॉजिक आ जाता था मेरे दिमाग में तो कभी कभी होता है कि नहीं है तो आप तब जाके आंसर देखो बट कभी ट्राई तो करो मतलब एटलीस्ट उसको दिन तो दो कि तीन या चार दिन तक ट्राई किया आपने हर थोड़े थोड़े टाइम के लिए देखा गया यार ये क्वेश्चन कैसे होगा ये क्वेश्चन कैसे होगा ये ट्राई करो ठीक है इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और प्लस आपके जो है दिमाग में और बनने के लिए हो रहा कोई बात नहीं मूव टू अनदर क्वेश्चन ओके नेक्स्ट मिस्टेक नंबर फोर अटेम रैंडमली एज एंड वेन दे अपियर अरे भैया ये तो सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है मॉक के अंदर जब आप कैट का एग्जाम दे रहे होते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप जब पेपर दे रहे हैं या मॉक दे रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय पहले ध्यान रखो आपको कोई भी आप टेस्ट सीरीज लोगे जैसे हमारी टेस्ट सीरीज है और मॉक कैट का मॉक देने जाओगे तो यहाँ पर आपको एक बटन होता है ऑल क्वेश्चन करके आप पता नहीं कितने बच्चों को पता है कितने को नहीं पता यहाँ पर ऑल क्वेश्चन करके होता है आपको पूरा क्वेश्चन पर एक ही बारी में दिख सकता है तो पहले वो क्लिक करो दो या तीन मिनट उस पर एनालाइज करने पे लगाओ कि कितने आर के पैसेज आए हैं कौन सा कौन सा पैकेज कौन आ, आ, पैसेज कौन से कौन से टॉपिक से है और आपका वो इंपॉर्टेंट है या फिर आपके साथ आ, कुछ है उसका कनेक्शन पैसेज का जैसे कि टेक्नोलॉजी का आ गया तो आपको पसंद है वो टॉपिक तो आप वो वाला पैसेज पहले उठाओ वो वाली आर पहले करो या फिर वर्बल एबिलिटी पहले करो पहले आपको दिमाग में होना चाहिए स्ट्रक्चर कि आपको पहले ये वे क्वेश्चन पढ़ने होंगे और ये क्वेश्चन मैं पहले अटैम्प्ट करूँगा और फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर जाऊँगा ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए स्ट्रक्चर पेन पेपर मिलता है ना कैट के एग्जाम में तो यूज भी करो पहले उस क्वेश्चन को लिखा करो कि मैं ये ये क्वेश्चन करूंगा स्ट्रक्चर बनाओ फिर करना ऐसा नहीं कि जो स्क्रीन पर आगे वो अटेम्प्ट कर दिया नेक्स्ट मिस्टेक नंबर मेकिंग रैंडम गेस वर्क स्पेशली इन एमसीक्यूज जब नहीं आ रहा होता किसी को सारे के सारे मार्क करना शुरू कर देते हैं प्लीज डोंट डू दैट हमेशा ध्यान रखो जब भी आप मॉक दे रहे हो एक फॉलो करो रूल ऑफ एट अटेम्प्ट एट क्वेश्चन करेक्टली इन ईच सेक्शन एंड यू आर आरट्टी परसेंट स्कोर आपको पता है अगर आप मॉक दे रहे हो स्टार्ट करो कि आप एटलीस्ट हर सेक्शन में चार क्वेश्चन ठीक कर पाओ दैट मीनस कि ट्वेल्व क्वेश्चन कर पा रहे हो और अगर आप आठ क्वेश्चन कर पाओगे एट थ्री जर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन ठीक कर पाओगे आपकी नाइन्टी नाइन परसेंटेज आ जाएगी नाइन परसेंटेज नाइनटी नाइन लाने के लिए आपको हाफ करने होते हैं विच इज मीन्स की सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका हाफ होता है थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री करोगे इन टोटल आपको हर एक सेशन के से कितने करने पड़ेंगे अगर आप तेरह तेरह भी कर लोगे तो यू आर अ लाइक गुड टू गो वही नाइन्टी नाइन परसेंटेज के आसपास आप आ ही जाओगे राइट सो प्लीज मेक श्योर 12 से 13 क्वेश्चन आप करने शुरू कर दोगे तो आप नाइनटी नाइन परसेंट पहुंच जाओगे तो चार से स्टार्ट करो चार से आठ पे पहुंचो आठ से फिर बारह या तेरह पे पहुंच जाओगे और राइट यही तरीका अपनाना तभी आप अच्छे से सक्सेस पा पाओगे ओके इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अवर कोर्सेज यू कैन जस्ट व्हाट्सएप और कॉल इन दिस नंबर और राइट एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्स का लिंक दिया हुआ है हिट द लाइक बटन इफ लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी यून क्वेरी थैंक यू मच हैव अ लवली ऑसम डे ऑसमड you yeah.